कुछ अलग होती, कहते मेरी है, तुम जैसे खटे अंचल में मैंने बचाया, ऐसा हो बोल रही होती है। तभी वो बोलता है, ये लाइक तुम्हारा दिया हुआ है, अगर तुम लेना चाहती हो तो आराम से ले सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मुझे तसल्ली होगी कि जिस लड़की से मैंने इतना प्यार किया है, जिसने मेरी जान बचाई, जिसके ऊपर मेरे ऊपर इतने सारे एहसान किया हुआ है, उसी के लिए मैंने अपनी जान दे दी, तो तुम अगर चाहो तो मेरी जान को दे सकती हो, ऐसा वो बोल लेता है। और उसके बाद यामिन उसे बोलती है, इतनी ज़्यादा बेचारे बनने का ड्रामा मत करो, मुझे पता है तुम कैसे हो, आई हेट यू बोलती है। और उसके बाद उसे स्टॉप करती है, और उसके बाद वो बोलती है, उम्मीद करो कि प्रे करो भगवान जी से कि दोबारा इस जन्म में मुझे फिर ना मिलना। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर कोई तो आता है, मतलब ऐसे ट्रैप करते हुए, तो हमें ये दिखाया जाता है, ये था हमारे ड्रामे का सेकंड मेन लीड जिसका नाम शीना होता है। और इसके बाद जो दूसरी फीमेल लीड थी साया, वो भी यहाँ पर आए हुए थी। और उसके बाद वो दोनों हंसने लग जाते हैं। तो अब जो हमारी यानन होती है वो बोलती है, तुम लोग इतना हंस क्यों रहे हो? और तभी जो शीना था वो बोलता है कि कंग्रेचुलेशन, फाइनली हमने अपने मकसद को पूरा कर लिया, ये दोनों अब हमारे रास्ते से जा रहे हैं, और अब सब कुछ तो हमारे नाम पे हो चुका है, ऐसा वो बोल के साया को वो कंग्रेचुलेट कर रहा था। और वो बोला था, बेबी बेबी, जो देखने की बात, तो जो यानन थी वो शौक में वो बोलती है कि तुम्हारा मेरा शादी होने वाला है, तुम ये क्या बोल रही हो, और तुम ऐसे मेरे साथ कोई गेम खेल रहे हो क्या, या फिर कोई प्रैंक है? तूने जो बोला था वो मैंने कर दिया, जिस बंदी की वजह से मैंने अपने माँ पापा को खो दिया उसको तो मैंने अभी भगवान जी के पास भेज ही दिया है, तो अब तुम ऐसे की बात कर रहे हो? ये सुनने के बाद छाया उसे धक्का देती है और बोलती है, बकवास मत करो, तुम जैसे इंसान को शेरा का भी हाथ नहीं लगाता। और उसके बाद वो बोलती है, तुम्हें पता है हम दोनों कब से एक दूसरे को पसंद करते हैं, और तुम्हारे साथ बेबी इसलिए था क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा रिच हो, अफसोस, लेकिन अब वो भी तुम्हारा कोई काम का रहा नहीं, अब फाइनली तुमने हमारे रास्ता क्लियर तो कर ही दिया है, तो अब मुबारक हो, अब तुम मर जाओगी और साथ में हम आज़ाद हो जाएंगे, बोल के है कहते हुए हंसने लग जाते हैं। तब जाके जो हमारी बंदी है उसे पता चला है मैन को कि ये सब कुछ तो उसकी फियांसी और उसकी बेस्ट फ्रेंड का ही प्लॉट किया हुआ, एक बहुत गंदा वाला प्लॉट था जिस बात की वजह से वो फंस गई थी। वो बोल रही थी कि बकवास बंद करो, तुम लोग क्या बोल रहे हो? तभी जो शीना था वो बोलता है, हाँ ये सच बोल रही है, क्योंकि तुम बहुत रिच थे तो तुम्हारे पैसे पे हमारे पहले से नजर थे, इसीलिए हम दोनों ने ड्रामा किया, और मैंने तो तुमसे प्यार करने का बस नाटक ही किया हुआ है, पर तुम जैसे नक्षर या घटिया लड़के को कोई प्यार कर सकता है क्या? तुम्हारे साथ रहना मतलब लोगों को घुटन महसूस होती है, और तुम तो कितनी बड़ी बेवकूफ निकली, तुम इतनी ज्यादा बेवकूफ थी कि जिस लड़के ने तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार किया हुआ है उस लड़के को तुमने अपने हाथों से मरवा दिया, हो टू बैड, ऐसा वो बोलता है। जो सुन के तो अब वो तो शौक में आती है, और उसके बाद वो बोलता है कि फोने नहीं बल्कि मैंने मारा था तुम्हारे पापा को, तुम्हारी माँ को, बस उसे फंसाया है हमने क्योंकि पता था एक बचपन से तुम्हें लाइक करता है, और वो मेरे रास्ते का कांटा बन रहा था, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करने की ट्राई कर रहा था, अब चलो ये तो रास्ते से हट ही गया, तो अब इसका तो कोई रोल नहीं रहा, अच्छा हुआ, बोल के वो ऐसे इंजॉय कर रहे होते, मतलब अपनी फिक्ट्री बना रही थी। ये सुन के तो यानन को तो शौक लग जाता है, वो बोलती है मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी, खटी आदमी बोल के उसके पास जाती है, उसे नोचने वाली थी। और तभी हमें दिखाया जाता है जो शीना था उसे धक्का देता है, और उसके बाद उस पे लात बरसाती लग जाता है जिसकी वजह से वो जमीन पे गिर जाती है। यानन को एहसास हो जाता है उसने कितनी बड़ी गलती की है, और रोने लग जाती है, और वो फू की तरफ देखती है जो बहुत खराब हालत में था। और उसके बाद जो शीना था वो बोलता है, अब तुम्हारा काम तो खत्म हो गया, हमने जो चाहा था वो हमें मिल गया, तो अब जिंदा रह के क्या करोगी, चलो बेबी तुम्हारा शट डाउन होने का टाइम आ गया, ऐसा वो बोलता है। और मनी मन में ऐसे भगवान जी से प्रे कर रही थी, मैंने सबसे बड़ी गलती की, जो मेरे अपने थे उनको मैंने अपना समझा लेकिन वो मेरे अपने नहीं थे, और जिसको मैंने अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझा वही मेरा अपना निकला, मेरी बेवकूफी आज मेरी जान ले गई, और मैंने अपने की भी जान ले गई, अगर मुझे दोबारा मौका मिलेगा तो उस टाइम पे मैं सबको सही करूंगी, और स्पेशली मैं तुम्हें तो कभी अपने आप से दूर जाने नहीं दूंगी, मुझे माफ कर देना फू, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद सीन यहीं पर कट होता है, और उसके बाद कुछ ऐसा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फ्लैशबैक जैसा था, मतलब टाइम पीछे तरफ चला गया था, और अचानक से हमें दिखाया जाता है फू सी, जो ऐसे हमारी बंदी
एएनएम की बहुत करीब होता है। वो हॉस्पिटल के बेड में होती है, उसे बड़े प्यार से देख रहा था, आंखों में आंसू था और वो मन ही मन में बोल रहा था, तुम मुझसे इतना नफरत करती हो कि तुमने मुझसे शादी करने से बेहतर अपने आप को खत्म करना समझा। अगर तुम इतना ही नफरत करती हो तो मैं तुम्हें कभी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन जितने लोग तुम्हारे आस पास है वो तुम्हारे लायक नहीं है, वो तुम्हारे इमोशन का फायदा उठाएंगे, तो मुझे किसी भी कीमत पर उन लोगों को तुमसे दूर करना पड़ेगा। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर तुम एक बार बोलोगी अब वापस मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊँगा, ऐसा वो बोलता है। तभी यानन अपनी आंखें खोलती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है यानन इधर उधर देखने लग जाती है। फूसी को सही सलामत देखने के बाद यानन को आइडिया हो गया है कि वो 3 साल पीछे आ चुकी है। शायद भगवान जी ने उसे एक मौका दिया हुआ था, जो गलती उसने की हुई थी उसको सुधारने का, यानी कि उन सब लोगों से बदला लेने का जो लोग उसके अपने थे नहीं और बस होने का ढोंग रच रहे थे। और साथ ही में फूसी जो उसका सच्चा प्यार था उसके साथ सब कुछ सही करने का, तो वो उसे ऐसे पेपर देता है और वो बोलता है ये लोगों से इंगेजमेंट ब्रेक करने का कीमत, तुम तो बहुत चाह रहे थे लेकिन मुझसे दूर हो जाओ और मैं तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगा, ठीक है अगर तुम मुझसे शादी नहीं करनी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम जो करना ही करो, ऐसा वो बोलता है। ये सुनने के बाद वो बोलती है कि तुम्हें क्या बोल रही हो, और उसके बाद वो उसे बोलता है आप ऐसे बेचारी मत बनो, तुम मरे जा रहे थे मुझसे ब्रेकअप करने के लिए, मुझसे इंगेजमेंट तोड़ने के लिए, जाओ तुम अपने श्रीना के पास चले जाओ, उसके लिए उसके साथ रहने के लिए सब कुछ कर रही हो ना, ऐसा वो बोलता है। वो जाने वाला था और उसके बाद जो यानन होती है वो भाग के जाती है, फूसी को गले लगाती है और बोलती है मैं तुमसे इंगेजमेंट तोड़ रही हूँ, एक चीज ने बोला मैं तो नहीं तोड़ रही हूँ। तभी उसके तरफ देखता है और यानन ही बोल रही थी कि मैं तो सिर्फ तुम्हारी हूँ और अगर मेरे ऊपर किसी का हक होगा तो तुम्हारा होगा, अगर दादाजी ने मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ तय किया हुआ है तो उसमें उन्होंने कुछ तो सोचा समझा होगा ना, ऐसे राजन दिन को उठा के उसकी मेरा दुल्हन नहीं बनाया है तो मैं नहीं छोड़ रही तुमको। ये सुनने के बाद वो बोलता है ये सब तुम अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए बोल रहे हो ना, जाओ सीना को मैंने माफ़ कर दिया, तुम्हारे लिए मैं इतना कर सकता हूँ तो अब जाओ, मेरे साथ चिपकने की कोई ज़रूरत नहीं, ना ही तुम्हें मेरे साथ ऐसे अच्छे होने का ड्रामा करने की ज़रूरत है। ये सुनने के बाद जो यानन थी वो उसे बोलती है आई नो मैंने बहुत सारी गलती की है, बहुत सारी बेवकूफ़ी की है और इवन मैं ना बहुत कुछ ऐसी स्टूपिडिटी करती हूँ जिसकी वजह से तुम हर्ट भी हो जाते हो, लेकिन अब मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद मैं कोई भी ऐसी हरकतें नहीं करूँगी जिसकी वजह से तुम्हें तकलीफ हो या फिर तुम्हें बुरा लगे, मुझे माफ़ कर देना, मुझे एक चांस दो, ऐसा वो बोलती है। जो सुनने के बाद फोटो शॉक में अपना है क्योंकि उसे पता है ये लड़की उसे तो बिल्कुल भी पूरा ही चाहती थी, उससे शादी करने से अच्छा है वो मरना प्रीफर करती थी और अचानक से ये पूरी तरह से बदल चुकी थी, तो वो उसके लिए शॉकिंग था। और उसके बाद यह नैन को याद आता है 3 साल पहले उसने फूकी कंपनी के अगेंस्ट एक स्टेटमेंट दिया हुआ था, दरअसल उसकी कंपनी में कुछ मेडिसिन बन रहे होते हैं जो लोगों की भलाई के लिए था, लेकिन अब पता नहीं कैसे श्रीना ने उसे कन्विंस कर लिया था और उसने ऐसे कुछ गलत इनिगल एक्टिविटी चल रहा है बोल के उसे जेल तक पहुंचा दिया था, तो वो सब कुछ याद करती है। और उसके बाद वो अभी जो मेडिसिन बन रहा है उसका अच्छे से इंस्पेक्शन करने के लिए भी बोल दी है, ताकि अगर जो शीना था उसने ऑलरेडी कुछ प्लॉट किया हुआ हो तो वो पकड़े ना जाए। और उसके बाद वो उसे बोलती है मैं आज के बाद सिर्फ तुम्हारी हूँ, अगर तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में मैंने सोचा भी तो तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकती हो, मुझे मंजूर होगा, लेकिन इतना याद रखना मुझे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता, ऐसा वो बोल लेती है। ये सुन के वो उसे बोलता है मुझे नहीं पता तुम क्या कौन सा ड्रामा कर रहे हो, या फिर हो सकता है तुम शीना को बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हो, लेकिन ये सब कुछ बिल्कुल भी ओक नहीं करेगा, ये सब कुछ घटिया चाल चलना बंद करो, बोल के वासी उस चला जाता है और के हॉस्पिटल से निकल लेता है। और उसके बाद यानन किसी को कॉल करती है और बोलती है बेबी मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ, और वो मन ही मन में सोचती है चलो इसको थोड़ा सा मजा तो चखाया जाए। और उसके बाद वो कोई फ्लोर पे जाती है, आई मीन जैसे कोई अपार्टमेंट पे जहाँ पर अंदर के कोई तो था जो उसके काम का बंदा था, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो अंदर चली जाती है, बाद में ये कोई और नहीं बल्कि सीना था। और उसके बाद शीना उससे बोलता है कि तुम फाइनली आ गई, तुम ठीक तो हो ना, दरअसल हुआ ऐसा था कि उसने अब
हमारे फूफ से शादी तोड़वाने के लिए अपने आप को खत्म करने की ट्राई किया हुआ था, तो उसने अब नस्कार दिया था, तो वही वाला सिचुएशन चल रहा होता है। और तभी वो उसे बोलता है, तुम्हें सब करने की कोई जरूरत नहीं थी, अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। तभी यानियन बोलती है, हाँ बेबी, हमें अब कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। और इसके बाद वो बोलता है कि मैं वॉशरूम जा के आता हूँ, तुम आराम करो। वो बोलती है कि हाँ कोई बात नहीं। और इसके बाद वो जब वॉशरूम में जाता है तो उस टाइम पे यानियन को याद आता है फ्लैशबैक टाइप, मतलब उस समय पे वो आया था कि कुछ लोग मीडिया वाले यहाँ पर आए थे और यानियन और सीमा को एक ही बेड पे मिलने के बाद उनका बहुत अच्छा खासा तमाशा बना था। और शायद उसी टाइम के बाद उन दोनों को साथ लेना पड़ा था, मतलब यानियन की अच्छी खासी बदनामी हो गई थी। अभी दिखाया जाता है सीमा वहाँ पर रूम में कुछ तो जलाती है, यानियन जी वो कुछ तो जलाती है। और उसके बाद वो वहाँ से बाहर आती है और उसके बाद वो हमारी दूसरी बंदी को कॉल करती है साया। वो उसे बोलती है सीना बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया है, प्लीज़ आ जाओ, मैं नहीं आ पाऊँगी, मुझे बहुत ज़रूरी काम की वजह से जाना पड़ा, तो प्लीज़ इतनी मदद कर दो। ये सुनने के बाद साया बोलती है, वाई नॉट, मैं तो आ रही हूँ, मैं जा रही हूँ, एक्चुअली उसका अभी तो प्लान था कुछ, तो इसी बात की वजह से वहाँ से आ जाती है। और हमें ये दिखाया जाता है एडिशनली फूको उसका सिस्टर आता है और वो बोलता है, मैडम तो आपने बॉयफ्रेंड साहब यानी कि शीना से मिलने के लिए गई है, जो सुनने के बाद फूको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अब अगले वाले सीन में जो साया के पापा होते हैं वो आते हैं और उसके बाद वो लाठी बरसाने लगते हैं बेड पे। ये एक्सपेक्ट करते हुए यहाँ पर यानियन थे, वो बोल रहे थे तुमने तो मेरे खानदान का नाम ही बीच में मिला दिया। और वो डांट रहे होते हैं तभी वहाँ पर तो निकलती है साया, जो देखने के बाद पापा तो शौक में हो, बोलते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मीडिया वाले आ चुके थे तो ये बात कवर नहीं हो पाती। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो साया थी, वो बोलते है पापा आप यहाँ पर क्या कर रहे हो और मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। और उसके बाद जो सीना था ये देखे तो शौक में कि ये लड़की इसके साथ कर क्या रही है, दरअसल तो यहाँ पर किसी और को होना चाहिए था। वह तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है बहुत बड़ा तमाशा, एज वेल एज पापा जो यहाँ पर मीडिया वालों को जो बोल के लेके आए थे यहाँ का उल्टा हो गया, तो पापा का भी नाम खराब हो जाता है। इनमें नाम देखते हैं जो पापा होते हैं वो तो अपना मुँह छुपाने लग जाती है, ये बोलते ही कुछ गलत हमें होगी। तभी यहाँ पर आती है यानियन, सब कुछ देखती है, उसे अपना फ्लैशबैक याद आता है कि किस तरह से इन दोनों ने मिलकर उसे फंसाया हुआ था और तब जाके सारे मीडिया वाले के सामने ये चीज़ उसे एक्सेप्ट करना पड़ा था कि उसने फू के साथ अपने एंगेजमेंट को तोड़ दी है। और वो ऐसे एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर कर रही थी, मतलब वो फू को चीट कर रही थी, अब वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट और गिरने वाली होती है। हर तभी वहाँ पर आ जाता है फू, उसे पकड़ता है और बोलता है ठीक तो होता। वो सुनने की बात यानियन बोलती है हमें ठीक हो। और तभी जो हमारा सीना आता है और बोलता है जो तुम देख रहे हो गलत है, एक गलत है, मैंने तुम्हें चीट नहीं किया, मुझे मेरी बात सुनो बोल के उसे बात करने की ट्राई कर रहा होता है। और उसके बाद यानियन उसे बोलती है मुझे हाथ भी मत लगाओ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो यानियन थी वो ऐसे कुछ बोल नहीं रही थी। और उसके बाद जो सीना था वो अपना और यूजलेस एक्सप्लेनेशन देने की तकार पे पड़ा हुआ था, वो बोल रहा था मेरी बात सुनो। यानियन बिल्कुल भी उसकी बातें नहीं सुनती और वो बस वो बोलती है अपना एक्सप्लेनेशन दो, चलो कोई बात नहीं, मैंने चांस दे दिया। तभी वो शाया को बोलता है हिम्मत कैसे, इसने मुझे फंसाया, इसने मुझे सिड्यूस किया है बोल के उसके ऊपर ही कीचड़ डाल रहा होता है। शाया को तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है शाया बोल रही थी कि तुम मेरे बारे में ऐसा बकवास कैसे कर सकती हो। तभी उसे एक तमाचा लगाता है, ये दो तमाचा लगाता है, तीसरा तमाचा लगाता है, मतलब चार से पांच बार शाया को थप्पड़ आना पड़ता है। और ये देख के तो जो यानियन थी वो बहुत मजे लेने लगती है। और उसके बाद वो फू को देखती है और वो बोलती है कैसा लगा मेरा सरप्राइज। और उसके बाद जो हमारा बंदा था सीना वो बोलता है देखो मेरी कोई गलती नहीं है, इसने मुझे फंसाया हुआ है। यानियन बोलती है तुम कोई टूट पीते बच्चे तो हो नहीं कि तुम्हें कोई आएगा फंसाएगा और तुम फंस जाओगे। और अपनी गंदी जगह से मेरा नाम मत लेना, और तुम्हें ऐसा लग रहा होगा मैंने और फू ने अपने इस एंगेजमेंट को तोड़ दी, तो ऐसी कोई बात नहीं, हमने अपना रिश्ता नहीं तोड़ा है, तो आज भी हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं।
और जहाँ तक तुम्हारी बारी है, ये बोल के उसे ऐसे उसके मुंह पर फेंकती है एक फाइल और बोलती है ए लो हमारा बेकफी, बोल के उसे कोई तो प्रोजेक्ट दे देती है। और उसके बाद वो बोलती है आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, और उसके बाद वहाँ पर हमें दिखाया जाता है याना, जो याना थी वो ऐसे फू को देखती है और बोलती है मुझे बहुत नींद आ रही है चलो ना घर पे, इधर निकलो, बोलता है कि हाँ बेबी चल रहे हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो फू होता है वो बोलता है इन दोनों को ना कुत्तों की मौत देना है, जाओ इनके हड्डी पे से एक कर दो, बोल के उनको वहाँ से फेंकवा देता है। और उसके बाद यानन बोलती है अब मुझे घर जाना है, वो उसे बोलता है मुझे थोड़ा सा काम है वो ख़त्म करके आता हूँ, बोल के उससे बोलता है तुम अपना ख्याल रखो। और उसके बाद वो उसे ये भी बोलता है कि आज के बाद अगर तुमने दोबारा साय की तरफ देखा जो चीना है उसके आस बजाने के बारे में भी सोचा ना तो तुम्हारे हाथ पेट भी तोड़ दे जाएंगे, तुम्हें पता है ना। यानन बोलती है हाँ मुझे पता है तुम क्या करोगे, डोंट वरी मैं तुम्हें कभी भी जीत नहीं करूँगी। वो स्माइल करता है और थोड़े उससे ना थोड़ा मन में डाउट भी हो रहा था कि ये सच्ची मेरे साथ ऑनेस्ट बन रही है या फिर ऑनेस्ट बनने का ड्रामा कर रही है। और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ में दिखाया जाता है फू अपने बोर्ड मीटिंग में पहुँच जाता है। बोर्ड मीटिंग में ऐसा हुआ था कि वहाँ पर फू अपनी कंपनी में अच्छे से सीईओ वाली पोजीशन का हैंडल कर नहीं पाया, बोल के उसे रिजेक्टेशन लेने के लिए बोला जा रहा होता है। लेकिन फू के पास अभी जो यानन है उसका दिया हुआ सारा सबूत था कि कौन लोग उसके साथ भी है और कौन लोग नहीं। और उसके बाद वो सबको बोलता है कि मैं तुम लोगों से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, और तुम लोग की हिम्मत कैसे, तुम लोग ऐसा लग रहा है मैं तुम लोगों की बकवास में है कि मैं पोजिशन छोड़ूंगा, तुम लोगों ने किसके साथ मिलकर क्या क्या किया है वो मुझे सब कुछ पता है, बोल के वो सबके सामने पेपर और वो पेन ड्राइव रखता है और वो बोलता है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और तभी वहाँ पर यानन आती है और वो बोलती है मुझे अच्छी तरह से पता है कौन फू के साइड में जेन्युइनली है कौन नहीं, तो इसीलिए बेहतर होगा कि उसको कुछ भी ब्लेम करना बंद करे। और जब भी नया कंपनी बनने वाला है, नया फार्मास्यूटिकल प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके लिए अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन बाहर फिर से दोबारा लीक करवाया गया तो उस टाइम पर तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा, ऐसा हो बोलती है। पास लाइफ में जो हमारा फू था वो इसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में गलत तरीके से मेडिसिन बनाया था कि इन चाहे जेल चला गया था, इसी तरह से इसका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था, तो अभी यानन इसी को सही करने की ट्राई में लगी हुई होती है। एंड हम देखते हैं अगले वाले सीन में यानन पहुंचाती है जहाँ पर सीना ने उसे मिलने के लिए बुलाया हुआ था और वो सॉरी बोला था और वो बोल रहा था कि मैंने तुम्हें चीट नहीं किया, प्लीज़ मेरे साइड पर आ जाओ, मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ। यानन बोलती है हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें एक चांस देने के लिए रेडी हूँ लेकिन तुम्हें कुछ साबित करना पड़ेगा। और उसे एक 50 मिलियन का एक कार देती है और बोलती है जाओ मेरे लिए कुछ काम करो। वो कुछ एक छोटी चीज बताती है लेकिन जो साया होती है उसका बस फोटो क्लिक करती है और उसके बाद वो फू तक पहुँच जाती है। ये बोलती है ठीक है देखो ये तुम्हें चीट कर रही है, और ये देखने के बाद फू को गुस्सा तो आता है लेकिन वो उसे बोलता है मैंने देख लिया तुमने काफी अच्छे से फोटो लिया हुआ है, एक काम करो ऐसे दफा हो जाओ। वो बोल रही थी कि ये तुम्हें चीट कर रही है फिर भी तुम इसे चांस दे रहे हो, उसे तमाचा लगाता है। और तभी साया तो शौक में कि मैं इन लोगों के बीच में आग लगाने के बीच ऐसे प्लान पे लगी हुई हूँ और ये क्या चल रहा है। और फिर से फू को बोले थी कि तुम्हें दिखाई नहीं देता वो तुम्हारे लायक नहीं है, वो उसे दो और तमाचा लगाता है और बोलता है मेरी बीवी के बारे में अगर ऐसे कोई भी बकवास की ना तो उस टाइम पर मैं तुम्हारी जान नहीं लूँगा, तुम्हें अच्छी तरह से बताया मैं कैसा हूँ, फिर भी तुम इतनी जुटत कर रही कि मेरी बीवी के बारे में बकवास कर रही यहाँ से दफा हो जाओ, बोल के उसे जाने के लिए बोलता है। साय को तो अपना मुंह छुपा के निकलना पड़ता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है रात वाला जो यानन होती है उसको छोड़ने के लिए हमारा बंदा आया हुआ था शीना, और उसे बोला था तुम टेंशन मत लो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा और हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। यानन बोलती है हाँ हाँ हमें एक होने से कौन नहीं रोकेगा, अब उसे पता है ना कौन रोकेगा और कौन नहीं। यानन हमें दिखाया जाता है घर के अंदर जाने के बाद जहाँ पर फू था, फू यानन को बोलता है ये सब कुछ क्या चल रहा है, क्या तुम मेरा इस्तेमाल कर रही हो या फिर तुम मुझे बस बेवकूफ बना रही हो, तुम अभी भी उसी के साथ हो ना। ये सुनने के बाद यानन उसे बोलती है तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अभी भी उसी के साथ हूँ। ये सुनने के बाद यानन को फू बोलता है ऑब्वियसली सबको पता है तुम उसको लाइक करती हो और मुझे तो बस अपने दादाजी की वजह से तुमने ऐसे किया हुआ है और तुम अभी भी पक्का उसी के लिए काम कर रही होगी ना। उसे बोलती है हर केस नहीं मैं बस तुम्हारे लिए काम कर रही हूँ, मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती कि मैं तुम्हारे लिए क्यों काम कर रही हूँ, तुम्हारे लिए क्यों और उसके साथ क्यों काम कर रही हो अभी, लेकिन इतना जरूर है कि मैं तुम्हें कभी चीट नहीं करूँगी। उसे बोलता है मैं क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ, वो उसे बोलते हैं हाँ। उसके बाद फू उसे किस करने लगता है और भाई कभी इन दोनों का रोमांस स्टार्ट होता है। और उसके बाद फू जाने से पहले बोलता है
एक आखिरी बार मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ, उम्मीद है इस बार तुम मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगी। अगर तुमने मेरा भरोसा तोड़ने के बारे में सोचा भी तो उस टाइम पे तुम्हारे साथ जो होगा उसके लिए तुम खुद ही जिम्मेदार होगी। ये अनान मनी मन में सोचती है, पास्ट लाइफ में जो मैंने गलती की थी अपने बेवकूफ़ी की वजह से, जो उन लोगों ने प्लॉट किया हुआ था उसके रास्ते पे चली गई और तुम्हें जेल पे पहुंचाया था, उसको मुझे सही करना है, मुझे माफ़ करो। कुछ टाइम तक मैं नहीं बता पाऊंगी कि मैं एक्चुअल में क्या कर रही हूँ। ऐसा हो बोल के वो मनी मन में अपने आप से सॉरी बोल रही थी, फूल से सॉरी बोल रही थी। ऐसे लड़की काफ़ी प्यार करती है फूल से। यानन और शीना होता है वो चले गए थे फूके दादी माँ से मिलने के लिए। वहाँ पर दादी माँ दादाजी दोनों होते हैं और यहाँ पर आने के बाद जो यानन थी वो शीना के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हुए थी जो दादाजी और दादी माई अप्रूव करने वाले थे। और यहाँ पर जो यानन होती है वो चाहती थी वो किसी भी कीमत पे फू को इन सब चीज़ों से आज़ाद करवाए ताकि वो कोई प्रॉब्लम में ना फंसे, और इसीलिए वो फू के लिए कुछ भी करने को रेडी थी। और वो शीना को यकीन दिलाती है कि वो अभी भी उसके साइड पर है और उसके बाद वो वहाँ से निकल लेती है। शीना काफ़ी खुश थी और हमें ये दिखाया जाता है बाद में शीना को कॉल आया कि जो दादाजी है उसको कुछ उनको कुछ हो चुका है। जूझने के बाद वो शॉक में वो भाग के हॉस्पिटल पे जाती है और उसके बाद जब वो हॉस्पिटल पे जाती है तो वो देखती है दादाजी को हार्ट अटैक आ गया था। जो सुनने के बाद वो शॉक में आती है, ऐसा कैसे हो सकता है। जब वो निकली थी तो दादाजी तो सही सलामत थे। एनन हम देखते हैं जो शीना हमारी एनन होती है उसे थोड़ा आइडिया हो जाता है कि कुछ तो किया है शीना ने। एनन हम देखते हैं जो फू था वहाँ पर आ पहुँचता है। फू को ऐसा लगा था ये सब कुछ एनन ने किया हुआ है, उसे बहुत बुरा लगता है। वो उसे बोलता है अगर तुम उसे प्यार नहीं करती कोई बात नहीं, मैं तुम्हें प्यार करने के लिए फोर्स नहीं करूँगा। अगर तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहती तुम्हें ड्रामा करने की भी कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन मेरी इमोशन के साथ इस तरह से खेलना बंद करो। मेरे पास सिर्फ मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं जिनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम जैसी 100 लड़की को कुर्बान कर दूंगा, मुझे बस अफसोस रहेगा कि तुम जैसी लड़की पे मैंने अपनी पूरी लाइफ तबाह कर दी, लेकिन प्लीज ऐसा मत करो, बोल के वो रोने लग जाता है। और उससे बोला था आज के बाद अपनी शक्ल में दिखाना। एनन तो परेशान हो जाती है, वो उसे मनाने के लिए गई हुई होती है, उसकी कोई भी बातें नहीं सुनता और बोलता है इसका जितना भी सामान मेरे घर पे पड़ा हुआ है उसको उठा के फेंकवाओ, इसको यहाँ पर लाने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको मुझे बिल्कुल भी नहीं देखना। बेचारी यानन वो परेशान वो उसे मनाने की ट्राई कर रही थी, वो बिल्कुल भी नहीं सुनता, वो चुपचाप अंदर अपने कमरे में चला जाता है। यानन परेशान होकर उसका वेट कर रही थी लेकिन हमारा फू बिल्कुल भी उसकी कोई भी बातें नहीं सुनता, उसे रिस्पॉन्स नहीं करता और यानन रोती रह जाती है। बहुत जोरों से बारिश हो रही होती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो यानन थी वो तो वहीं पर थी, इवन वो तो वहीं पर गिर चुकी थी, बेहोश हो चुकी थी। जब वो लेट नाइट को वापस देखता है घर से बाहर ये देखने के लिए कि शायद अब तक तो यानन जा चुकी होगी, लेकिन वो तो वहीं पर थी। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, वो भाग के जाता है, यानन को उठाने की ट्राई करता है और उसे सीधा उसे रूम के अंदर लेके चला जाता है, सीन यहीं पर काट दिया जाता है। एंड हम देखते हैं जो फू होता है वो यानन को बोला था अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मनी मन में, लेकिन वो उसे बिल्कुल भी शो नहीं करता। सुबह वाला सीन जहाँ पर यानन उठती है उसे रियलाइज होता है कि वो सेव हो चुकी है, लेकिन किसने बचाया उसे ये नहीं पता। वो जानने की ट्राई जरूर करती है लेकिन वो नहीं करता। एंड हम देखते हैं जो हमारी यानन होती है वो नीचे आती है डाइनिंग टेबल पे और वहाँ पर जो काम करने वाली लेडीज होती है उनके साथ पूछने लगती है कि मुझे यहाँ पर कौन लिख के आया। तभी वहाँ पर जो मेड होती है वो बोलती है कल रात आप बेहोश हो गई थी तो मास्टर आपको लेके आए थे। जो सुन के तो शाया को बहुत गुस्सा आता है, ऐसा आया उसे ऐसा लग रहा था कि ये मेरे रास्ते में आ रही है एक कमीनी औरत, इसको तो दोनों में से कोई भी चलेगा। मतलब ऐसा होता है ना जिसके पास पैसा और पावर होगा वही उसका, इस टाइप की कमीनी लड़की थी। और वो सोचती है मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। और उसके बाद जैसे यानन वहाँ से निकल लेती है रास्ते से जा रही होती है उसी समय पर कोई तो गाड़ी आके यानन को ठोक देती है और वो पूरी तरह से घायल हो जाती है। और तभी हमें ये दिखाया जाता है जो यानन होती है उसके हाथों पे वो रिपोर्ट था जहाँ पर फू के अगेंस्ट जो भी प्लान किए जा रहे थे और इवन फू का जो इनोसेंस था वो प्रूव करने के लिए डाटा था। और हमें दिखाया जाता है फू आता है यानन को ऐसे देखते तो उसकी तो दिल टूट जाती है और उसके बाद वो यानन को उठाने के ट्राई कर रहा होता है जो बिल्कुल भी वोक नहीं करता। और उसके बाद यानन को वो हॉस्पिटल पे लेके जाता है, यानन को होश आता है और उसके बाद वो इधर उधर देखने लगती है। उसे जहाँ तक क्या था उसकी जान फू ने बचाई थी, लेकिन क्या यहाँ पर तो शीना था। शीना उसे बोलता है पता है मैं कितना डर गया था, तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता, बोल के उसे ऐसे कुत्तों की तरह हक कर रहा था। मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं हक गया था,
हेलन समझ नहीं पाती ये क्या चल रहा है। वो पूछती है तुम यहाँ पर? इसने के बाद जो सीनियर था वो बोलता है हाँ तुम किसी और कस पे कर रहे थे क्या? वो बोलती है शायद मेरी गलत फहमी होगी, वो मुझे बचाने क्यों आएगा। और उसके बाद हम देखते हैं जो शीना था वो बोलना था कि तुम्हारी वजह से फाइनली मुझे मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट मिल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ और हम बहुत जल्दी अपने मकसद पे कामयाब हो जाएंगे। ये सब कुछ वो सुन रहा होता है, उसे काफी ज्यादा बुरा लग जाता है। और उसके बाद तभी उसके पास उसका असिस्टेंट आता है, वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट लिखे और वहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ था जो मेडिसिन फूके कंपनी में बन रहा है फार्मास्यूटिकल पे उस पर कुछ गलत चल रहा है। और उसके बाद ये सब कुछ करने वाला कोई और नहीं बल्कि शीना है। ये सुन के तो उसे काफी गुस्सा आता है, उसे समझ में आ जाता है कि जो यानन है वो अभी भी शीना के साइड पर है और उसके साथ अच्छी इसलिए बन रही है ताकि उसका जो बॉयफ्रेंड है वो अपने मकसद पे कामयाब हो जाए और ये डिस्ट्रैक्ट भी ना हो, मतलब उसका ध्यान पूरी तरह से यानन पे रहे। उसका तो पूरी तरह से दिल टूट जाता है, वो मन ही मन में सोचता है मैं तो मैं इस चीज़ के लिए कभी माफ नहीं करूंगा। और इसके बाद हम देखते हैं यानन जब अपनी आंखें खोलती है उस टाइम पे, मतलब जो यानन होती है वो ऐसे हितायतमार के पास जाती है। एक्चुअली हुआ ये था कि जो यानन थी उसे ये पता चला कि फूको उसके बारे में गलतफहमी हो चुकी है। कोई तो उसे कॉल करता है और वो बोलता है मुझे वो रिपोर्ट तुम्हारे फेवर में भेजना था लेकिन यहाँ पर कुछ गलतफहमी हो गया जिसके चक्कर में वो रिपोर्ट तुम्हारे एड्रेस भेजा गया। मुझे लगता है फू ने तुम्हें बहुत गलत समझ लिया होगा। यानन भाग के फू के पास आने वाली थी लेकिन फू तो वहाँ से जा चुका था। दादी माँ के पास जाती है, दादी माँ से वो बात करने की ट्राई करती है। दादी माँ को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि ऐसी औरत को उन्होंने अपने पोते के लिए चूज किया, आई मीन जो से डॉटर इन लॉ, एंड वो बहुत गुस्से में रो रही होती है। और उसके बाद वो बोलती है मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। वो तो परेशान वो बोलती है दादी माँ मेरी बात सुनो, आप जो समझ रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं। और तभी दादी माँ उससे दादी माँ को वो एक पेपर दिखाती है डॉक्यूमेंट और वो बोलती है मैं हमेशा फू के साइड पर हूँ लेकिन मैं फू को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके साथ अभी इतने नज़दीक हो नहीं पा रही हूँ और मुझे उन सारे दुश्मनों के नज़दीक होना पड़ रहा है जो कभी मेरे थे नहीं। इस उनके दादी माँ को सारा माजरा समझ में आ जाता है। वो बोलती है तुम तो मेरी बेस्ट ग्रैंड डॉटर इन लॉ बेटा। और तभी उनको हार्ट अटैक आता है, हार्ट अटैक जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। और तभी वहाँ पर डॉक्टर आते हैं और उसके बाद फू था वो तो यानन को धक्का देता है क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि दादी माँ ने दादी माँ को उसने कुछ किया है जिस बात की वजह से वो बहुत परेशान था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो ये भी बोलना था कि अगर मेरी दादी माँ को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी दादी माँ को आके डॉक्टर चेक करते हैं और वो स्टेबल हो जाती है। बीच में ऐसे अटैक आना उनके लिए नॉर्मल सी बात थी, मतलब क्योंकि वो बीमार थी। और इसी बात की वजह से हमें दिखाया जाता है दादी माँ जब अपनी आँखें खोलती है उस समय भी वो बोलती है तुम टेंशन मत लो। और उसके बाद वो बोलती है बेवकूफी साथ तुम कब बंद करोगे मेरी बहू को बुली करना, वो तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही है और तुम उसकी कदर नहीं कर रही हो। ये सुनने के बाद वो बोलता है दादी माँ उसका मतलब। तभी दादी माँ उसे बोलती है ये देखो, और उसके बाद वो उसको सारा सच बता देती है कि वो कभी वो तुम्हें बहुत प्यार करती है, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारे साथ ना होने का ड्रामा कर रही है। ये सुनने के बाद वो बताया अरे शोर दादी माँ, वो बोलते हैं हाँ बेटा। और उसके बाद वो दादी माँ को छोड़ता है और यानन को लेके जाता है और बोलता है क्या दादी माँ बोल रही है उससे जी। यानन बोलते हैं हाँ मुझे माफ करो, मुझे कुछ समय तक उसके साथ ही रहना पड़ेगा, उसके साइड होने का ड्रामा करना पड़ेगा ताकि मैं वो सब कुछ वापस ले सकूँ जो हमेशा हमारा था। ये सुन के फू उसे देखता है और काफी प्यार से हक करता है और उसके फॉरहेड पे किस करता है और वो बोलता है ये आखिरी बार होगा जहाँ पर मैं तुम पे ट्रस्ट कर रहा हूँ, अगर इस बार तुमने कुछ ऐसा कर दिया ना उस टाइम पे मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। यानन बहुत खुश होती है और हवा में उड़ने लग जाती है क्योंकि उसे फाइनली फू का प्यार मिल रहा था। और गाइस यहीं पर मैं इस पार्ट को खत्म कर रही हूँ, इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आएगा, तब तक के लिए आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलूंगी आप लोगों के साथ एक और नए ड्रामे के साथ, आई मीन जैसे इसी ड्रामे के अगले पार्ट के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये जहाँ पर यानन उसकी मम और डैड के साथ मिलती है और उसके बाद यानन को उसकी माँ बोलती है बेटा हमें समझ में आ चुका है कि तुम सिन्हा से बहुत प्यार करते हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनने के बाद यानन बोलती है आप लोग क्या बोल रही हो। तभी मम और पापा दोनों बोल रहे होते कि हमारे लिए तुम्हारी खुशी से ज़्यादा बड़ी बात कोई नहीं है, तुम सिन्हा से इतना प्यार करती हो और इसीलिए तुमने अपने आप को ख़त्म करने की ट्राई भी किया और तुम्हारा जो एक्सीडेंट हुआ है कहीं ना कहीं इसमें भी यही चीज़ इन्वॉल्व है, तो हमने डिसाइड किया हुआ है तुम इंगेजमेंट तोड़ सकती हो। ऐसे भी फूसी रिश्ता तोड़ने के बाद ऑलमोस्ट
हमें 2-4 मिलियन तो मिल जाएगा जो हमारे लिए कंपनसेशन के लिए इनफ होगा, ऐसा वो बोल रहे होते हैं। ये सुनने के बाद वो तो शॉक हुए, वो बोलते हैं नहीं मोम आप गलत समझ रहे हो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो हमारी बंदी थी वो भाग के वहाँ से निकल लेती है। और उसके बाद वो ऐसे दिखाया जाता है जो वो था अपने असिस्टेंट के साथ जा रहा होता है और उसका असिस्टेंट बोलता है आपके फ्रेंड्स ने आपके साथ रिश्ता तोड़ने के लिए कुछ अपील किया हुआ है, आप उन्हें कंपनसेशन देके उसे छोड़ना चाहते हो। तभी फू बोलता है हाँ अगर उसकी खुशी उसी में है तो मैं क्यों फोर्स करूँगा, मैं छोड़ दूंगा। ये सुनने के बाद वो बोलता है हाँ बस। और तभी सीमन जो कैनन होती है वो अभी फू से मिलने के लिए वहाँ पर आई हुई थी उसके ऑफिस पे, और वो सीधा कॉफ़ी पी रही थी और सीधा जाती है फू के पास और वो बोलते हैं मैंने तुम्हें तो बहुत मिस किया। ये सुनने के बाद यानन को फू बोलता है अरे श्योर, तभी वो देखता है थोड़ा आगे से सीना जा रहा होता है, मतलब कहीं तो जा रहा था, तो इसीलिए वो बोलता है कोई बात नहीं। और उसके बाद उसे बोलता है चलो मेरे साथ, और उसके बाद वो मीटिंग के लिए चला जाता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा बंदा आया था जिसका नाम है मिस्टर वांग। और उसके बाद मिस्टर वांग जो था वो शीना को देख के जो यानन थी उससे देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। और उसके बाद वो हमारी बंदी के साथ थोड़ा सा फ्लर्ट करने की ट्राई कर रहा था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ये बंदी फू की असिस्टेंट है ना कि उसकी फ्रेंड्स है, उसे नहीं पता था कि इसके और फू की क्या रिश्ता था। और फू को ऐसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था कि इसके साथ थोड़ा सा बुरी तरह से वो बर्ताव। और उसके बाद दिखाया जाता है फू अभी कुछ नहीं बोलता क्योंकि ये बंदा बहुत इंपॉर्टेंट था इन लोगों के लिए, इन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। और उसके बाद फू बस यानन को ये बोलता है तुम मिस्टर वांग के साथ इतनी बदतमीजी मत करना जैसे तुम नॉर्मली दूसरों के साथ करते हो प्लीज़। और वो बोलते कोई बात नहीं, उसे भी पता था कि ये बंदा कितना मायने रखता है इसके लिए, इसी बात की वजह से उसके साथ वो बोलते हैं कि आपको जो भी चाहिए मैं आपको दिला दूंगी। एंड देन वो बोलता है मिस्टर वांग की मेरे साथ ड्रिंक करो, और वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक ऑफर करता है, मतलब बहुत ढेर सारा अमाउंट जो देखे तो यानन थोड़ी सी शौक में, लेकिन वो बोलते कोई बात नहीं मैं पी लूँगी। और जब वो पीने वाली होती है उस टाइम पे फू उसे रोकता है और वो बोलता है तुम्हें पीने की कोई ज़रूरत नहीं, और वो खुद पीने वाला था। तभी वांग बोलता है कि आपको क्या फर्क पड़ रहा है, ये तो आपके असिस्टेंट है ना और आपके असिस्टेंट काफ़ी खूबसूरत है, इसका कुछ तो फ़ायदा उठाया जाएगा ना। ऐसे भी इसको तो आता तो कि इन सब चीज़ों की बोल के उसे बोलता है कि मैं इसके साथ पीना चाहता हूँ, वो उसे बोल रहा था नहीं। और उसके बाद तो बोलता है आपको मेरे साथ डील करनी है तो मेरे साथ कॉन्टैक्ट कीजिए, ऐसे मेरी असिस्टेंट के साथ नहीं। और उसके बाद वो पूरा ड्रिंक खुद ही पीने लग जाता है, 2-4 ग्लास पीने के बाद उसका असिस्टेंट उसके पास आता है बोलता है बॉस नहीं आप इतना नहीं पी सकते, आपकी हेल्थ कंडीशन ये सब सपोर्ट नहीं करेगी। और उसके बाद तभी फू को कुछ कलान की वजह से बाहर की तरफ लोग चले गए थे। और उसी समय पर हमें दिखाया जाता है यानन देखती है अब मिस्टर यांग से तो वांग से तो किसी भी कीमत पर काम तो करवाना पड़ेगा, इसीलिए वो बोलते हैं कि अब मेरे बस तो आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर रहा है तो मैं कर लूँगी। और उसके बाद वो बोलती है चलो साथ में पीते हैं, और उसके बाद वो पीने लग जाती है। और उसके बाद दोनों भर भर के पीते हैं, लेकिन यानन थोड़ी कम पी हुई थी जैसे ही वाह पूरा पी के वो टली हो जाता है उस टाइम पर वो उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करवा लेती है। तो फाइनली यानन ने फू के लिए कुछ तो किया था। और बाद में हमें दिखाया जाता है वो सोचती है अब मैं अभी के अभी जाऊंगी और उसको ये सब कुछ दिला दूंगी। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर आ पहुँचता है शीना, शीना बोलता है फाइनली तुमने मेरे लिए सब कुछ किया अब मुझे यकीन हो गया तुम मुझसे प्यार करते हो, बोल के उसे हाँ कर रहा होता है। यानन बोल रही थी मैंने तुम्हारे बहुत कुछ किया हुआ है और मैं करना भी चाहती हूँ, मेरी जो गलती थी उसको सुधार रही हूँ। नहीं नहीं सब कुछ वो देख रहा था उसे एक बार फिर से लगा यानन उसे धोखा दे रही है शायद। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो तो वहाँ से चला जाता है। और बाद में जो यानन रियलाइज करती है कि ये तो फू नहीं बल्कि सीना है, वो उसे बोलते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो हटो यहाँ से। और उसे बोलता है कि अरे हमने प्लान किया था ना साथ में मिलकर काम करेंगे, तुम्हें क्या बोल रहे हो। यानन हंसती है बोलती कि तुम जैसे कठिन इंसान के साथ मैं कोई डील करूँगी क्या, हर किसी दफा हो जाए से और जाओ। जो सीना होता है वो पेपर दिखता है तो उसमें सच में किसी और का और के लिए था ये कॉन्ट्रैक्ट और उसके लिए नहीं, वो बोलती है मैं तुमसे तुम बिल्कुल भी प्यार नहीं करती ठीक है ना। उसे बहुत गुस्सा आता है और बोलता है अब तुमने मेरे साथ पंगा तो ले लिया तो इकट्ठे के लिए भी रेडी हो जाओ। और उसके बाद वो उसे ढेर सारा ड्रिंक करवा लेता है। अगले सीन में दिखाया जाता है वो के पास उसका असिस्टेंट भागते हुए आता है और वो बोलता है यानन आपसे झूठ नहीं बोल रही थी वो सचिन है आपके साइड में है बस, क्योंकि ओरिजिनल कॉन्टैक्ट पेपर उसने साइन करवा लिया है और जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर उसने दूसरे के लिए लिया हुआ था वो हमारे साथ है, ऐसा वो बोलता है। और इसने के बाद फू तो शौक में और उसके बाद फू चला जाता है यानन को ढूंढने के लिए। यानन को दिखाया जाता है
वो एक ही बेड में थी उस बंदे के साथ, लेकिन नॉर्मल नॉर्मल कंडीशन में वो सो रही थी। और तभी वो बंदा उठ के अभियान के साथ पत्नी करने की ट्राई करता है। बहुत बुरा वाला था क्योंकि अनन ट्रॉमाटाइज हो गई थी इस बात की वजह से, जिस तरह से अभियान को समझने की ट्राई कर रही थी। बाद में वहाँ पर फुआ पहुँचता है। फुआ ने क्या पहले तो उसे बहुत ज़्यादा पीट देता है। तभी मिस्टर वांग बोलता है कि आपकी वो असिस्टेंट है ना, क्या आपको मेरे साथ डील नहीं करनी, जो मेरे साथ इस तरह से पंगा ले रहे हो, शर्म नहीं आती? ये सुनने के बाद फू उसे बोलता है जो गलती तो नहीं किया है, उसके बाद में तुझे कोई माफ़ी नहीं है। यानी उनको वो अपना कोट पहनाता है और उसके बाद वो बोलता है तुम जस्ट कुछ सेकेंड होल्ड कर दो, मैं थोड़ा काम खत्म करके आया। और वो वापस वांग के पास आता है और उसे और फिर से एक और बार कुत्तों की तरह दौड़ने लग जाता है। और तभी जो वो पूछता है कि तुम्हें फर्क क्यों पड़ रहा है, कौन है, तुम्हारी कुछ अपनी लगती है क्या? तभी फू बोलता है हाँ ये मेरी होने वाली बीवी है, इससे मैं प्यार करता हूँ। जो सुनकर वन की तो अब फट जाती है क्योंकि उसे पता नहीं था ये सब कुछ हुआ है और ये बंदी हुआ जो फू है उसकी फियर्सी है। वो सॉरी बोलने लगता है और उसके बाद वो यानन को गोदी में उठा के वहाँ से लेकर चला जाता है जहाँ पर यानन बहुत ज़्यादा बुरी तरह से ट्रॉमाटाइज थी। और वो सोते टाइम भी वो ऐसे बोल रही थी कि प्लीज़ मुझे हाथ मत लगाओ, प्लीज़ मुझे हाथ मत लगाओ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है यानन बहुत घबराई हुई थी और अपनी आँखें खुलती है और उसके बाद वो बहुत प्यार से हक करती है, मतलब डरी भी हुई थी लेकिन अपने सबसे फेवरेट पर्सन को अपने सामने दिखने का जो सुकून था यानन के मन में बहुत अच्छी तरह से दिख रहा होता है, उसकी आँखों में दिख रहा था। और उसके बाद वो उसको किस करने ही वाला था, उसी टाइम पर किसी का कॉल आया इसलिए उसे वहाँ से जाना पड़ता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है यानन को उसके मम्मा और पापा कॉल करते हैं और बोलते हैं हाँ मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया है और सीना हमारी बात को सपोर्ट करने के लिए रेडी है, अब तुम रेडी हो जाओ, तुम्हें उसके साथ ब्रेकअप करना है। ये सुन के यानन बोलते मम्मा पापा आप क्या बोल रहे हो? तभी वो फू ये सब कुछ सुन रहा था, उसे फिर से एक बार ऐसा लगा शायद यानन ने उसके साथ सब कुछ ड्रामा ही किया होगा प्यार करने का, तो इसी बात की वजह से वो कुछ बोलता नहीं है, वो बाहर था। यानन आती है और उसके बाद एंडी नाश्ता करने लगती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है यानन जब वो ब्रेड खाती है तो वहाँ पर कुछ मिर्ची रखा हुआ था, ऐसा कुछ फू नहीं किया हुआ था गुस्से में आकर। और जब उसे गले ऐसे बहुत ज़्यादा जोर से खांसी आने लगती है तो फू से अपनी गोदी में खींचता है, पहले वो दूध पीता है और उसके बाद उसे किस करता है। तो आप थोड़ा लॉजिक समझ जाओ क्या करना चाहता था यानन, उसे बोलती है तुम्हारे लिए ये सब कुछ नहीं, उनके लिए यही मौका मिला था। और उसके बाद वो उससे बोलती है तुम इतने ज़्यादा सड़ू क्यों बन रहे हो, क्या हुआ है? तभी फू से बोलता है कुछ नहीं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में यानन जब अपने घर पर जाती है तो वो दिखती है उस वहाँ पर तो उसका शीना था, मतलब वो उसे बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी तो मुझे धोखा देने की, मुझे अपने प्रोजेक्ट में किसी भी कीमत पे वो पैसा चाहिए जो फूका मुझे मिलने वाला था, जैसा आपने प्लान किया था वो उसी हिसाब से जाएगा। यानन बोलते हर किसी ने भी कभी मुझे धोखा नहीं दूँ। वो उसे अपने कान के पास खींचता है और बोलता है मुँह में उसके कान में बोलता है कि अगर तुमने ऐसा कुछ भी सोचा ना तो तुम्हारे माँ बाप के साथ जो भी होगा उसके लिए तुम जिम्मेदार हो, क्योंकि तुम्हारा जो पापा है वो कुछ घोटाला कर रहा था और उसका एविडेंस मेरे पास है, तो अब किसी भी टाइम पे जेल जा सकता है। यानन घबरा जाती है और अभी ऐसा हुआ था फू अभी डायन से सब कुछ देख रहा था लेकिन नहीं सुन पाता कि क्या बकवास चल रहा है। उसे ऐसा लगा दोनों ने मिलकर उसे बेवकूफ बनाया यानन उसके साथ इसलिए थे ताकि ऐसा कुछ सीना ने बोला हुआ था, उसे काफी बुरा लग जाता है इसी बात की वजह से वो वहाँ से चला जाता है। जहाँ पर यानन को ना जाते हुए भी सीना की मदद कर रही थी क्योंकि उसने क्लियरली बताया था कि उसके पापा को जेल वो इजिली भेज सकता था क्योंकि अंकल जी थोड़े से लालची टाइप के इंसान थे और उन्होंने जितने भी की थी उसका उसके पास पूरा एविडेंस था, जिस बात की वजह से यानन को अपने पापा को बचाने के लिए सीना के साथ होने का ड्रामा करना पड़ता है। वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पा रही थी और एक बहुत बड़ा एक्शन था जिस पे उसे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करना था सबसे ज़्यादा बोली लगा कर, और इसीलिए यानन भी वहाँ पर गई हुई होती है सीना के साथ और वो उसे देखने के बाद बहुत ज़्यादा अपसेट होता है। और उसके बाद यानन को बोलता है चलो यहाँ से, और यानन चली भी जाती लेकिन उसे अचानक से याद आता है कि अगर वो ऐसा कुछ करेगी तो उसके पापा के साथ प्रॉब्लम होगा, इसीलिए वो बोलती है मुझे माफ़ कर देना मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। जो सुन के फू को बहुत बुरा लगता है और वो बोलता है क्या यही थी तुम्हारी सच? ये सुनने के बाद वो उसे बोलती है हाँ यही था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो उसे वहीं पर छोड़ता है और वो अंदर चला जाता है। अगले सीन में देखते हैं ऑक्शन में बोली लग रहा होता है और उसी टाइम पर उसे
उसे ज़्यादा डबल कीमत बोली लगानी पड़ती है, जिस बात की वजह से फू ऑलरेडी अपसेट था या नन चली जाती है वॉशरूम में। वहाँ पर जाने के बाद वो देखती है फू उसके पीछे पीछे आया हुआ था। वो बोलता है, एक बात बताओ, तुम किस जन्म का बदला ले रही हो मुझसे? जस्ट बिकॉज मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम बार बार मुझे हर्ट करोगे, या नन बोलते हो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, उसे ऐसे वाल की तरह पुश करता है, उसे काफ़ी पैशनेटली किस करने लगता है। या नन उसे रोकती है और उसके बाद वो बोलता है, क्यों तुम्हें डर लग रहा है? तुम्हारा बंदा यहाँ पर आएगा और हम दोनों को ऐसे देखेगा तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ऐसे भी तुम उसके लिए मेरे साथ सो सकती हो ना? ऐसा वो बोलता है। या नन बोलते हैं, प्लीज़ कुछ ऐसा मत बोलना जिसकी वजह से मैं हर्ट हूँ। ये सुनने के बाद वो उसे बोलता है कि तुम्हें ये सब चीज़ फर्क भी पड़ता है, तुम अपने बंदे को बचाने के लिए उसकी अच्छी गलत तो कुछ भी कर लोगे, तो अपने आप को बेच लोगे, मेरे साथ कितने टाइम से होगे? ऐसा वो बोलता है। वो कुछ बोल नहीं पाती, वो रो रही होती है। वो बोलती है, बस मैं इतना कहूँगी कि मैंने कभी तुम्हारे बारे में बुरा नहीं सोचा, तो तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा रखना चाहिए। ऐसे सुनने के बाद वो उसे बोलता है, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी ऐसी जबरी जबरी बातों पर भरोसा करूँगा और फिर से एक बार बेवको बनूँगा? हर केस नहीं, अब बहुत हो गया। तभी वहाँ पर हमें देखा जाता है शीना, या नन को ढूंढते ढूंढते आ रहा होता है। उसे डाउट था या नन के पीछे पीछे फू भी आया हुआ, इसीलिए वो आवाज़ लगा रहा होता है या नन को। और उसके बाद फू बोलता है, अगर तुम्हारा यार यहाँ पर हम दोनों के साथ में देखेगा तो तुम्हारे लिए तो प्रॉब्लम होगी ना, मुझे लगता है उसे बुला लेनी चाहिए। वो बोल के वो कुछ बोलने वाला था, या नन उसे किस करके रोक देती है। और उसके बाद जब तक वहाँ से शीना नहीं जाता तब तक वो उसे बस वही करती है जो कर रही थी। और उसके बाद हमें देखा जाता है अब सीना इस श्योर हो गया कि यहाँ पर तो वो नहीं है, वो वहाँ से चला गया। उसके बाद यह नन से छोड़ती है और वो बोलती है, मुझे माफ़ कर देना लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगी, तुम थोड़ा सा वेट करो, मैं अभी कुछ बता नहीं सकती, बोल के वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में फू, उसे पता चला वहाँ पर वो जो बोली लगी हुई थी तो उसका फाइनल रिजल्ट आता है। और उसके बाद जो शीना है उसको वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, मतलब क्योंकि यानन ने इतने सारे पैसे खर्च किए थे, तो इस बात की वजह से वो तो शौक में, क्योंकि उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बहुत मायने रखता था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो यानन थी वो बाहर थी, वो उसके पास आता है और वो बोलता है, मैं तुम्हें कभी भी इस बात के लिए माफ़ नहीं करूँगा, एक बात बताओ तुम्हारे पास 200 मिलियन कैसे आए? तुम्हारे पापा जो मुझसे तुम्हारा रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे थे, उससे एल्युमिनियम में जो मिलेगा उसी से तुम ये सब कुछ करोगी ना? या नन बोलती है, हाँ ऐसे भी तुम तो मेरे कोई भी बातों पे भरोसा नहीं करते, हर बार तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट कुछ ना कुछ प्लान ही कर रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं लगता कि तुम्हें इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़नी चाहिए, ऐसा हो बोल लेती है। जो सुनने के बाद जो या नन थी उसको वो बोलता है, लेकिन मैं ही क्यों? या नन बोलती है कि गलती तुम्हारी है, तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया, तो अब तुम्हें मुझ पर कोई भी इस तरह से क्वेश्चनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बोलती है। वो वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है या नन को एक बंदा, वहाँ पर कोई ठरकी सा आदमी था जो थोड़ा सा रोते हुए देख के वहाँ पर पहले तो दिलासा देने का ड्रामा कर रहा था, बाद में उसके साथ ही बदतमीजी पे उतर आया। या नन तो परेशान हो गई, लेकिन यहाँ पर हमें दिखाया जाता है बाद में आता है शीना और उसे बचा लेता है, लेकिन ऐसा नहीं था, यहाँ पर ऑलरेडी फू आ चुका था, लेकिन फू कुछ करता इससे पहले शीना उसे बचा चुका था और यानन को हक कर रहा था। तो ये देख के फू बहुत ज़्यादा बुरी तरह से स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद वो वहाँ से निकल लेता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में यानन जब उसके पापा का जो भी इलीगल धंधा वाला जो भी चीज़ था, इलीगल ट्रांजेक्शन, उसके बारे में पता नहीं कैसे लेकिन फू ने लीक करवा दिया था मीडिया के सामने। तो जब फू को सब कुछ पता चला वो भाग के जाता है बात करने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो मॉम होती है वो फू को ही डांट रही होती है, ये बोल रही होती है कि तुम मेरे बेटी के साथ ये सब कुछ क्यों कर रहे, तुम मेरे बेटी के। और उसके बाद यहाँ पर आने के बाद पता चला एच एन अर्डेंस की शायद ये सब कुछ फू ने नहीं करवाया था, लेकिन फू का नाम खराब हुआ है क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन फू की कंपनी से लीक हुई थी। क्योंकि यानन के पापा, अब जैसे कि मैंने कहा, एक नंबर के लालची टाइप के इंसान थे, इवन यानन की माँ अभी, तो कुछ तो यहाँ पर लोचा हुआ था और इसमें फू फंस गया था। वो तो पहले बोलने की ट्राई करा था, नहीं मैंने कुछ नहीं किया आंटी, लेकिन यहाँ पर ये दोनों ही नहीं समझ रहे होते हैं। और उसके बाद वो फू को पीछे लग जाती है, यानन आती है और उसके बाद रोक के बोलते हैं, मम्मी आप क्या कर रही हो, क्या चल रहा है? तभी वो बोलते हैं कि ये सब कुछ चल रहा है, ये तुम्हारा बंदा तुमसे बदला लेने के लिए हमारे साथ ये सब कुछ कर रहा है। यानन बोलते हैं, नहीं मुझे लगता है कुछ और होगा ना मॉम। और तभी एक्चुअली उसे पता है ना फू कभी भी उसके साथ गलत नहीं कर सकता, लेकिन जो फू था वो बोलता है, क्योंकि तुम मेरे साथ इतना कुछ कर रही थी तो मैं क्यों नहीं कर सकता, तुम तुम्हारी फैमिली ने कभी मेरे लिए अच्छा सोचा है, मैं अच्छा सोचूंगा। यानन को तो बहुत बुरा लगा, उसे एक तमाचा लगाती है, यार बेचारी खुद ही उस पर ट्रस्ट कर रही थी, उस पर
ट्रस्ट करती है, उसे प्रोटेक्ट कर रही थी, लेकिन ये तो उल्टा उसके भरोसे पर सवाल उठा रहा था। और वो बोलती है, यहाँ से दफा हो जाओ, अपनी शक्ल मत दिखाना, अब तो बदला ले ली ना, मैं अपने पापा को खुद ही छुड़ा दूंगी। ये सुनने के बाद जो फू था वो उसे बोलता है हर किसने, और उसके बाद वो उसे ऐसे उठाता है और उसके बाद सीधा बेड पे लेके जाता है। और उसके बाद अपने बेल्ट को ओपन करता है, गलत मत समझना, मतलब सच्ची में बेल्ट को ओपन करता है और वो उसके हाथों को बांधता है और वो बोलता है, एक बात बताओ, तुम इतना कुछ कर रही थी तो मैं इतना क्यों नहीं कर सकता? तुम मुझे बार बार हट कर रही थी तो मैं तुम्हारे पापा को जेल भेजूँ तो तब तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है? टेक्निकल तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम होने नहीं चाहिए। यानन बोलते हैं, प्लीज़ मुझे छोड़ो। और उसे किस करने लगता है। यानन बोलते हैं, प्लीज़ मुझे छोड़ो। वो उसे बोलता है, डोंट वरी, मैंने डिसाइड कर लिया, मैं ऐसे पागलों की तरह तुम्हारे पीछे जाऊँगा तो तुम कभी मेरी कदर नहीं करोगे, और मुझे ऐसे अपने आप को इतना ज़्यादा लॉस्ट तो फील नहीं करना। तुम कुछ भी करो लेकिन तुम अपने बंदे के लिए सब कुछ कर, जो भी करती हो तुम उसके लिए करती हो, और एयरटेन मुझे हर्ट होना पड़ता है। तो कंग्रेचुलेशन यानन, आज के बाद तुम आ जाओ, जाओ जहाँ पर जाना है जाओ, जिसके साथ रहना है रहो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। इवन जितने भी अलमनी मिलेगी इंक्रीमेंट तोड़ने का, मैं वो दे दूँगा, लेकिन इतना मैं मेक श्योर करूँगा कि तुम्हें और तुम्हारे यार को कोई भी परेशान मत करे, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने तुम्हें प्यार किया है और मेरा प्यार इतना भी खुदगर्ज नहीं कि मैं तुम्हें परेशान करूँ या फिर बार बार अपने दिल को तोड़वाओ, मुझे माफ़ कर दो, बोलता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। कुछ भी करो लेकिन वो फूको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहती थी, उसे पता है यहाँ पर कौन उसका है और कौन उसका नहीं। लेकिन वो ये भी देख रही थी फूको के अंदर वो जो भी गलत फहमी या फिर इनसिक्योरिटी था, क्योंकि बार बार अब ये भी तो है ना, कितना बंदा अपने प्यार पे भरोसा करेगा जब उसकी बनती हर बार उसकी सबसे बड़े दुश्मन के साथ हो। तो वही उसके साथ हुआ और अब वो जाके बिल्कुल भी यानन को भाव दे नहीं रहा था, उसे बिल्कुल बात नहीं कर रहा था। इवन जब यानन उसे बात करने जाए तो भी उसे इग्नोर ही मारा करता था। यानन उसके पास भाग के जाती है और उसके बाद वो उसे बोलती है, जब तक ये सब कुछ सॉर्टेड नहीं होता तुम टेंशन मत लो, मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगी, और मुझे कुछ करना पड़ रहा है, अगर मैं भी कुछ कर रही हूँ तो इतना जरूर याद रखना कि हमारे फ्यूचर के लिए कर रही हूँ, तो सॉर्टेड हो जाएगा, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन तब तक मुझे मुझ पे तुम्हें भरोसा करना पड़ेगा, थोड़ा वेट करो प्लीज़, बोल के उसे ये बोल तो वहाँ से चले जाती है। और उसने ये भी बोला था कि मैं कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दे सकती, क्योंकि ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं, नहीं मैं कभी सोचूंगी। वो भाग गई और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ समय तक यानन पूरी तरह से सीना का कॉन्फिडेंट, सीना का जो परेशान था वो जीत लेती है, और उसके बाद उसके साथ होने का ड्रामा करती है, जिसका नतीजा ये होता है कि कुत्ता कहीं ना कहीं बुरा ही लग रहा था, क्योंकि कौन चाहेगा उसकी बंदी अपने दुश्मन के साथ इस तरह से रहे, और वो ऐसे जो साया होती है उससे भी बुरा लग रहा होता है, उससे भी अभी को भी बात लग रही थी। भले ही ये सब कुछ स्टार्टिंग तो सीना और साया ने मिलकर किया था, लेकिन अब वो बंदा यानन के लिए श्रेया को भी इस बहुत ज़्यादा बुरी तरह से ट्रीट कर रहा था। इसी बात की वजह से हमें ये दिखाया जाता है, वो सोचती है अब तो कुछ करना पड़ेगा। और उसके बाद हमें ये दिखाया गया है यानन जब दादीमा से मिलने के लिए गई हुई होती है हॉस्पिटल पे, तो फू को ये पता चला कि वो दादीमा से मिलने गई है। फू तो बहुत घबरा गया और वो भाग के जाता है, और उसके बाद वो उसे बोलता है, ये क्या करे, मेरी दादीमा को हर्ट करने की ट्राई किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और तभी दादीमा अपनी आँखें खोलती है और वो बोलती है, बेटा ये क्या कर रही हो तुम, बस अक्ल में ऐसे शक्ल से बड़े लगते हो लेकिन तुम्हारी हरकतें बच्चों वाली है, एक क्यों हर्ट करेंगी मुझे। और तब तो यानन वहाँ से निकल चुकी थी, और उसकी बात वो उससे बोलती है, वो कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं कर सकती, मैंने लास्ट टाइम बोला था ना, प्रॉब्लम ये कि तुम उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर पा रही हो, वो बस तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही है, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकती है, अपने आप को कुर्बान भी कर सकती है। बेटा इससे पहले कि देर हो जाए उसे रोको, वो ऐसे नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो, बोल देते हैं जो सुनकर तो खुद हो शौक में। और उसके बाद इवन वहाँ पर जो उन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट था वो भी उसने वहाँ पर छोड़ा हुआ था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है यानन कहीं तो गायब हो गई, कहाँ गायब हो गई होगी आप लोग सोच रहे होंगे। सो हमें पता चला ये सब कुछ हमारे साहबजादे अरमीन से कौन, ऑब्वियसली ये जो छाया है उसने उसे किडनैप किया हुआ था, वो उसे अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। यानन को बोलती है, तुम्हारी वजह से मेरा साथ सब कुछ प्लान फ्लॉप हो रहा है, ना तो मुझे फू देखना है ना तो शीना, मुझे दोनों में से एक तो चाहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता दोनों में से कोई भी हो। और उसे बोल रही थी कि तुम मरोगे उसके बाद तो दोनों मेरे पास आ जाएंगे और दोनों में मैं बेस्ट कर लूँगी, लेकिन वो ये सुनने के बाद हंसने लगती है और वो बोलती है, ऐसा कभी भी नहीं होगा, फूक कभी भी मुझे धोखा नहीं देगा। और तभी हमें ये दिखाया जाता है
जो यानन होती है उसको बचाने के लिए वहाँ पर आ जाता है फू, और उसके बाद फू उसका रस्सी खोलता है, और उसके बाद वो जो शायद है उसके पापा को साथ में लेके आता है। और उसके बाद अब तक दरअसल क्या हुआ था ना, यानन के पापा को पापा के जितने भी एविडेंस मिले थे और उसने नहीं बल्कि साया जो थी, साया जो शीना थी, अशीना था, और उसके बाद उसके पापा ने मिलकर किया था ताकि फोर यानन के बीच में गलतफहमी आ सके। सो यही यहाँ पर हुआ था। तो यानन को सारा सच बता देता है, यानन उसे हॉक करती है और उसके बाद उसे घर पर लेके चला जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है फो, उसे ना कुछ बोला नहीं जा रहा था क्योंकि देवान सिंडर की बोल रही कि मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ में तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन इसने तो कभी उस पर भरोसा नहीं किया, तो किस मुँह से बोलता कि मुझे माफ कर दो। वो बस ये बोल नहीं पा रहा था मुझे माफ कर दो, लेकिन हाँ ही बोला था कि आज के बाद तुम्हें कोई कुछ बोली नहीं कर पाएगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं बोलता हूँ वो जाने वाला था, या मैम उसे ऐसी हक करती है और बोलती है कि अभी भी तुम्हें मेरे प्यार पे डाउट है, मैं थक चुकी हूँ तुम्हें अपना प्यार साबित करते करते, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं कभी भी तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच नहीं सकती, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनने के बाद तो अब उसे बिल्कुल भी रोका नहीं चाहता और उसकी तरफ दिखता है काफी प्यार से, उसकी आंखों में आंसू थे, ऑब्वियसली दोनों ही रो रहे होते हैं। और फो बोलता है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मुझे तुम्हें किस तरह से माफी मांगनी चाहिए, मैं एक नंबर का बेवकूफ कहता हूँ जो तुम्हारे प्यार पे डाउट कर रहा हूँ, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें खो दूंगा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तुम किसी और के साथ थी, किसी और के कोई और तुम्हें हाथ लगा रहा था, कोई तुम्हारे हाथ को टच कर रहा था, तुम्हें छू रहा था, तो शायद ये चीज मेरे ईगो को टच कर गई, तो इसलिए मैं तुम्हें कभी ट्रस्ट कर नहीं पाया, आप सॉरी। यानन उसे बोलती है ऐसे मत बोलो, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, मैंने देवान से बोला है गलती तुम्हारी कि तुम यकीन कर नहीं पाए। तो उन्हीं के बाद वो अपने आप को रोक नहीं पाता, दोनों का काफी ज्यादा प्यार ऐसा कोई योशा किसी मोमेंट चल रहा होता है, तब वहाँ पर दिखाया जाता है। और तब यहाँ पर दिखाया जाता है यानन की माँ आई हुई थी यानन के पास बात करने के लिए, लेकिन यहाँ पर अपने बेटी और दामाद को थोड़ा रोमांटिक मोमेंट पे डिस्टर्ब करने की वजह से थोड़ा सा सॉरी बोलती है, और बाद में दोनों बहुत एम्बैरेस हुए थे, मतलब यानन और फू। और फू बोलता है मॉक मैं आपसे परमिशन ले रहा हूँ क्योंकि यानन मेरा रिश्ता तो ऑलरेडी पक्का हो चुका है, सगाई भी हो चुकी है, तो आज के बाद यानन मेरी वाइफ है। वो बोलती कि नहीं नहीं तुम लोग लगो, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मुझे क्या प्रॉब्लम होगा, मेरे बेटी के लिए तो दुनिया का सबसे बेस्ट बंदा मिला है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए, बोल के स्माइल करके चली जाती है। क्योंकि यानन की जो मॉम होती है उसके बाद जो वो चली गई, और उसके बाद यानन को फू बोलता है आज के बाद मैं तुम्हें कभी अपने से दूर जाने नहीं दूंगा क्योंकि मैं इतना बड़ा बेवकूफ हो नहीं। यानन बोलते हैं टेक्निकली तुम बेवकूफ तो हो लेकिन कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। वो बोलते हैं जो काम कर रहे थे उसको कंटिन्यू करें, ऐसे निकल तो हंसता है, और उसके बाद दोनों का रोमांस फिर से स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं अब अभी वाले सीन में जो हमारा बंदा था शीना, वो एक प्रेस मीट पे होता है जहाँ पर उसे ऐसा कॉन्फिडेंस तो आ गया था, कॉन्टैक्ट उसे मिल गया, सब कुछ हो गया, तो वो प्रेस मीट करके अपना मेडिसिन का फॉर्मूला दुनिया के सामने दिखाने वाला था। बहुत बड़े डीलर कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर आए हुए होते हैं, और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है जो शीना था वो ऐसे सबको प्रेस मीट कर ही रहा होता है, उसी समय पे वहाँ पर आती है यानन और वो बोलती है आयुष हो रही है तुम्हारा ही काम है, और उसके बाद फू भी आया था और वो उस सारी दुनिया के सामने उसके असलियत दिखा देता है कि ये दोनों मिलकर फ्रॉड कर रहे थे। ये सुनने के बाद उसका इन्वेस्टर वहाँ से भाग जाता है, और उसके बाद जो यानन थी उसको वो बोला था तुम क्या मेरे साथ नहीं खेल रही थी। यानन बोलते मैं तो अपने भाभी से बहुत प्यार करती हूँ, तुम कौन हो मैं तुम्हें नहीं जानती, और वो फूका ऐसे के साथ चिपकी हुई थी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो फू था वो बोलता है हाँ हम तो साथ में, तुम्हें क्या लगा कि मेरी वाइफ ही मुझे छोड़कर तुम जैसे गंदे से कराले आदमी के साथ जाएगी, कभी नहीं, तुम कभी भी मेरे से कभी कम्पीट कर ही नहीं पाए। और उसके बाद वो वहाँ से पुलिस वाले उसे लेके जाने वाले थे, लेकिन वहाँ से वो भागने में कामयाब हो जाता है, सहायक वो चीज पसंद नहीं आता। और उसके बाद वो यानी उनको स्टैप करने वाली थी क्योंकि वो हारना नहीं चाहती थी, लेकिन वो भी आता है उसे चोट लग जाती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो शीना था वो जब वहाँ से भाग जाता है, तो उस समय पर कुछ लोग होते हैं उसके पास आते हैं, बाद में पता चला इन दोनों ने इसने ना बहुत ज़्यादा लोन लिया हुआ था कुछ गुंडों से। और उसी के बाद हमें दिखाया जाता है वो जो शीना होता है वो जिनसे उसने लोन लिया हुआ था वो लोग उससे पीटने लगते हैं कि पैसे लो बोलकर। और उसके बाद हम देखते हैं ड्रामे का आखिरी सीन जहाँ पर जो फू था फू और यानन एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ के कहीं पे जा रहे होते हैं, और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है जो यानन थी
और उससे बोलती है कि आज के बाद अगर फिर से तुमने कभी मुझ पर डाउट किया ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और उसका हाथ लग जाता है, वो बोलता है क्या कर रही हो, मेरी जान लोगे क्या। वो बोलती है सॉरी सर, सारी गलती हो गई, लगी तो नहीं। वो बोलता है नहीं, वो उसे गोदी में उठाता है और बोलता है तुम श्योर हो जाओ अभी, आज के बाद मैं कभी भी तुम पे डाउट नहीं करूंगा, कभी भी तुम्हारी कोई भी चीज़ों पर सवाल नहीं खड़ा करूंगा, मैं बस तुमसे प्यार करूंगा। वो बोलते कि चलो देखते हैं आप कितने दिन तक आपके वादे और कसमें रहेंगे, या फिर पिछली बार की तरह मुझ पर डाउट करने लगोगे, अगर ऐसा किया तो मैं छोड़ के जाऊंगी। वो उसे बोलता है हर किस पे, वो उसे किस करने लगता है। एंड देन द ड्रामा इंस, वाओ कितना प्यारा ड्रामा था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। एक्चुअली क्या होता है ना गाइस, जब भी मैं इस एक्टर के ड्रामे को एक्सप्लोर करने लगती हूँ ऑटोमेटिक इतना अच्छा फील होता है, क्योंकि ड्रामे इस बंदे के बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। तो आई होप आपको जरूर पसंद आया होगा, अगर आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो जरूर भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नए कंटेंट लेके आती रहती हूँ। तो मिलेंगे एक नए ड्रामे के साथ, थैंक यू सो मच।